गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे दादी माँ, जिसके लेखक हैं शिव प्रसाद सिंह। अब देखिए दादी माँ कहानी को आगे पढ़ेंगे। तो ऐसे दोस्तों ने उनको और परेशान करना शुरू कर दिया। दादा के श्राद्ध में दादी माँ के मना करने पर भी पिताजी ने अतुल संपत्ति व्यय की। वह घर की तो थी नहीं, अर्थात उनके दादाजी के श्राद्ध में उनके पिताजी ने अपने दोस्तों और शुभचिंतकों से पैसे लेकर बहुत सारा खर्चा किया और दादी माँ ने इसके लिए बहुत मना किया था। तो अब यही दोस्त उनसे उस पैसे की मांग करने लगे और उनके घर में परेशानियाँ आ गई। दादी माँ अक्सर उदास रहा करती। माघ के दिन थे, कड़ाके का जाड़ा पड़ रहा था, पछुआ का सन्नाटा और पाले की शीत हड्डियों में घुसी पड़ती। शाम को मैंने देखा दादी माँ गीली धोती पहने कोने वाले घर में एक संदूक पर दिया जलाए हाथ जोड़कर बैठी हैं। उनकी स्नेह कातर आंखों में मैंने आंसू कभी नहीं देखे थे। मैं बहुत देर तक मन मारे उनके पास बैठा रहा। उन्होंने आंखें खोली। दादी माँ, मैंने धीरे से कहा। इसके बाद वो बताते हैं कि जब उनके दादाजी की मृत्यु हो गई तो उनकी दादी माँ अक्सर बहुत ज्यादा उदास रहती थी। और माघ का महीना हिंदू कैलेंडर के हिसाब से जो जाड़ों के दिन आते हैं, यानी कि हमारा जो जनवरी का महीना होता है वही माघ का महीना है। तो उस माघ के महीने में कड़ाके का ठंडा पड़ रहा था। जनवरी में तो बहुत ठंड पड़ती है। तो उस ठंडी के मौसम में एक शाम उन्होंने अपनी दादी माँ को बहुत ज्यादा उदास देखा और उनकी स्नेह से या प्रेम से कातर, मतलब अधीर, तो उनकी प्रेम से अधीर आंखों में आंसू भरे हुए थे और वे बहुत देर तक अपनी दादी माँ के पास बैठे रहे। फिर आगे क्या हुआ, उन्होंने आंखें खोली। दादी माँ, मैंने धीरे से कहा, क्या है रे, तू यहाँ क्यों बैठा है? दादी माँ, एक बात पूछूं, बताओगी ना? मैंने उनकी स्नेहपूर्ण आंखों की ओर देखा। क्या है, पूछ, तुम रोती थी? दादी माँ मुस्कुराई। पागल, तूने अभी खाना भी नहीं खाया ना, चल चल, धोती तो बदल लो। दादी माँ, मैंने कहा, मुझे सर्दी गर्मी नहीं लगती बेटा। वे मुझे खींचती रसोई में ले गई। सुबह मैंने देखा चारपाई पर बैठे पिताजी और किशन भैया मन मारे कुछ सोच रहे हैं। दूसरा चारा ही क्या है, बाबू बोले, रुपया कोई देता नहीं, कितने के तो अभी पिछले भी बाकी हैं। वे रोने रोने से हो गए। रोता क्यों है रे, दादी माँ ने उनका माथा सहलाते हुए कहा, मैं तो अभी हूँ ही। उन्होंने संदूक खोलकर एक चमकती सी चीज निकाली। तेरे दादा ने यह कंगन मुझे इसी दिन के लिए पहनाया था। उनका गला भराया, मैंने इसे पहना नहीं, इसे सहेज कर रखती आई हूँ। यह उनके वंश की निशानी है, उन्होंने आंसू पोंछकर कहा। पुराने लोग आगा पीछा सब सोच लेते थे बेटा। इस भाग में लेखक ने यही बताया है कि जिस समय उनके दादाजी की मृत्यु के बाद देनदारों का पैसा उनके पिताजी पर बहुत ज्यादा बढ़ गया और उनके पिताजी ने जितनों को कर्जा दिया था उन लोगों ने भी जब पैसा नहीं चुकाया और पैसे की उन्हें किल्लत या परेशानी होने लगी, तो उनकी दादी माँ ने ऐसे परेशानी भरे समय में उनके दादाजी का कंगन बेचने के लिए दे दिया ताकि कर्जदारों का पैसा चुकाया जा सके। सचमुच मुझे दादी माँ शाप भ्रष्ट देवी सी लगी। धुंधली छाया विलीन हो गई। मैंने देखा दिन काफी चढ़ आया है। पास के लंबे खजूर के पेड़ से उड़कर एक कौवा अपनी घिनौनी काली पंखें फैलाकर मेरी खिड़की पर बैठ गया। हाथ में अपने किशन भैया का पत्र कांप रहा है। काली चींटियों सी कतारें धूमिल हो रही हैं। आंखों पर विश्वास नहीं होता। मन बार बार अपने से ही पूछ बैठता है, क्या सचमुच दादी माँ नहीं रही? इस अंतिम पद को अब हम पहले पैराग्राफ से जोड़ते हुए पढ़ेंगे, जहाँ की लेखक को अपनी दादी माँ की धुंधली सी एक छवि नजर आ रही थी और उसके बाद उन्होंने अपनी दादी माँ के बारे में काफी बातें याद करी। तो आगे उन्होंने लिखा है कि वो धुंधली छाया जो उन्हें दिख रही थी वे धीरे धीरे विलीन हो गई और उन्होंने क्या देखा कि दिन काफी चढ़ आया है, कि दिन का काफी वक्त गुजर गया है और
उनके हाथों में उनके भाई का पत्र है जिस पर कि उनके दादी माँ के मृत्यु की खबर लिखी हुई है और उनकी आंखों में उस खबर को पढ़ के पानी या आंसू भर आए हैं और लिखावट उन्हें चींटियों की कतारों की से जैसे दिख रही है और वो धीरे धीरे पढ़ने में नहीं आ रही है क्योंकि आंखों में आंसू भर चुके हैं और उन्हें बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा है कि उनकी देवी जैसी दादी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही।